बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 73 बिधौलिया से पार्षद पद के प्रबल दावेदार नईम खान से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान युवा नईम खान ने बताया, वार्ड नंबर 73 बिधौलिया के अंतर्गत सनुआ, गोविंदापुर, गोटिया क्षेत्र आते हैं, परंतु यह क्षेत्र वासियों का दुर्भाग्य है। यहां जो भी पार्षद बना उसने बिधौलिया क्षेत्र में तो कुछ कार्य कराए, बाकी पूरा क्षेत्र में विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा किया गया है। युवा नेता पार्षद पद के प्रबल दावेदार नईम खान ने बताया कि हमने अपने वार्ड नंबर 73 बिधौलिया के लिए जो मुद्दे तैयार किए हैं उसमें क्षेत्र का चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए जूनियर से हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था कराना हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में हमने अपने क्षेत्र में बने उप स्वास्थ्य केंद्र जो जनता के लिए तैयार किया गया था परंतु सफेद हाथी साबित हो रहा है, उसमें स्टाफ की नियुक्ति कराकर सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय जनता के साथ ही आसपास की जनता को भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके। युवा नेता पार्षद पद के प्रबल दावेदार नईम खान ने बताया, हमारी योजना क्षेत्र में चौमुखी विकास के साथ ही जल भराव की समस्या का समाधान, स्वच्छ जल क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना, पथ प्रकाश व्यवस्था के साथ ही सफाई व्यवस्था और क्षेत्र में जनता की समस्याओं का समाधान तत्काल कराने की योजना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इस सब की जानकारी देते हुए युवा नेता पार्षद पद के प्रबल दावेदार नईम खान ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम मिस्टर नईम खान, बिधौलिया वार्ड नंबर 73 से सभासद पद के प्रबल दावेदार। नईम साहब जी, आप वार्ड नंबर 73 से, जैसे कि हमारी टीम ने सर्वे किया है, आपका नाम चर्चाओं में है जी, आवाम में सब तरफ जो है चर्चा है इस बात की जी, इस बार जो है नईम साहब हमारे पार्षद के प्रत्याशी होंगे जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह रही कि आपको पार्षद के चुनाव में आना पड़ा। आप तो युवा हैं जी, और युवा को एकदम ऐसे माहौल में चुनाव में आना बड़े हैरत की बात होती है। उसका रीज़न कुल मिला के ये है कि जैसे कि आज के समय में युवाओं की जो है सोच जो है वो अलग ही है, जिस तरीके की सोच होना चाहिए, तो यहाँ के कुछ लोग जैसे वार्ड नंबर 73 में हमारा बिधौलिया से कुछ जुड़े गांव और भी हैं, जैसे सनौवा हो गया, गोविंदापुर हो गया, प्लस गौटिया हो गया, ये हमारे वार्ड नंबर 73 में आते हैं। तो जैसे कि आप आए होंगे, आपने बिधौलिया का तो देखा ही होगा, जो भी देखा है, बाकी प्लस इसमें ये सनौवा हो गया हमारा और गोविंदापुर और गौटिया, जहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर इन लोगों को दिक्कत होती है किसी भी चीज़ की, अगर इनको ज़रूरत पड़ती है जैसे कि कोई लेटर पैड वगैरह चाहिए या कोई मोहर चाहिए, तो वो लोग आते हैं यहाँ से निराश होकर लौट जाते हैं। तो वो लोग जाके वहाँ पर जो है कहते हैं कि भाई वार्ड नंबर 73 के जो भी हैं मतलब सभासद, तो हमें दिक्कत होती है इस तरीके की, कई लोगों के मुंह मैंने ये चीज़ें सुनी। और लोगों का जो है जैसे विकास मेन चीज़ मुद्दा जो है वो विकास का है, विकास का मुद्दा ये है कि जैसे हमारा अभी ये सनौवा वाला अंदर बिधौलिया से जो रोड गया है वहाँ पे कुछ जगह टुकड़ा है जैसे बोलते हैं वो रह गया है वहाँ पे, जो अभी तक रोड नहीं पड़ पाया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वहाँ पे होती है, जल भराव हो जाता है आए दिन, बरसातों में पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर आप सनौवा चले जाइए, वहाँ पे जो है रोड है, नालियाँ हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर गोविंदापुर में आप चले जाइए, वहाँ पे भी यही सारी समस्याएं हैं। फिर उसके आगे आप गौटिया में चले जाइए, वहाँ पे भी यही समस्याएं हैं। तो मेन रीज़न मेरा जो है वो ये है कि जनता को जो है एक युवा मतलब जो है प्रत्याशी की, नेता की ज़रूरत है, जो लोगों को सुन सके, समझ सके, और ज़मीनी स्तर के नेता की ज़रूरत है प्रत्याशी की, जो हर समय उनके वक्त बेवक्त काम आ सके इस तरीके से। नईम साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका बिधौलिया, गुंदापुर जी, सनेगुआ जी, और एक गोटे, चार एरिए हैं जी, जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया जी, तो क्षेत्र में ये देखा है कि पर्टिकुलर चार इलाकों में एक जगह का विकास हुआ है जी, वो भी 100% नहीं हो पाया है जी, इसका क्या कारण है? सर, इसका कारण यही है कि सर जैसे कि जो हमारे सभासद प्रत्याशी जो हैं सर, तो मेन चीज़ उनके पास इतना समय नहीं है, जो मतलब जगह बे जगह जाके वो देख सकें
कि कहाँ पे हमारा विकास रह गया है और कहाँ हमारी जनता को परेशानी आ रही है। तो मेन चीज़ ये सर, अगर हम वार्ड नंबर 73 से हमारे जो भी गांव जुड़े हुए हैं, तो मेन चीज़ सर सबसे पहले हमें उनका देखना है सर, जो जिन्होंने हमें अपना कीमती वोट देके और इस लायक और इस लेवल पे पहुँचाया है। तो मेन चीज़ सर वो है, सबसे पहले उनको देखना चाहिए कि जैसे हमें उन लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की। नहीं साहब जी, आपका चुनाव में जाने के लिए विज़न क्या है? मेरा मेन विज़न जो है वो ये है, सबसे पहले मुझे तीन मुद्दों पे ध्यान देना है। नंबर एक मेरा विकास, नंबर दो मेरा आपका शिक्षा और नंबर दो स्वास्थ्य। नहीं साहब जी, आपका विज़न बहुत अच्छा है जी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास। विकास तो विकास में हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि आप युवा हैं, युवा सोच है, तो विकास के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है, किस तरीके का विकास कराना चाहते हैं? विकास में सबसे पहले कि हमारा ये वार्ड नंबर 73 में वेस्टर्न कॉलोनी आता है, तो ये कॉलोनी तो हमारे यहाँ बन गया है, मगर इसका जो जल भराव की सबसे बड़ी समस्या रहती है, इसमें हर साल जब बरसातें शुरू होती हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत ये आती है। बिधौलिया में जो रोड गया है, ईदगाह वाला रोड उसको बोलते हैं, आप कभी आगे भी देखना और यहाँ की जनता से भी पता करना, तो जैसे कि वहाँ पे इतना पानी जल भराव हो जाता है कि आदमी नहीं तो बाइक से निकल पाता है वहाँ पे, नहीं पैदल निकल पाता है वहाँ पे, तो सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पे। फिर हमारी बिधौलिया में एक सनौवा रोड कहलाता है, जो रोड निकलता है उसको मैं लगभग 20 साल से मैं देखता हुआ चला रहा हूँ, और भी मुझसे पुराने लोग हैं जो वो लोग भी देख रहे हैं कि वो रोड अभी तक इतना सा रोड नहीं पड़ पाया है, और रोड नहीं पड़ने की वजह से उसमें सबसे बड़ी समस्या जल भराव की रहती है, हर 12 महीने जो भी दिक्कतें रहती हैं। तो सर मतलब सबसे बड़ा जो है मेरा ये विकास में ये रहेगा, जल भराव है मेरा, मतलब इन चीज़ों को ख़त्म करना, जो भी दिक्कतें हैं जैसे हमारी वेस्टर्न कॉलोनी है, प्लस हमारा सनौवा हो गया, और हमारे वार्ड नंबर 73 से जो है बिधौलिया तो है ही वार्ड नंबर 73 में, उसके साथ साथ हमारा सनौवा और गोविंदापुर और प्लस गौटिया, ये हमारे वार्ड नंबर 73 से जुड़े हुए हैं, जिनमें अभी तक विकास का जो है मतलब जो भी डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी अभी नहीं हो पाया है। नहीं साहब, विकास के मामले में आपने एक अच्छी रणनीति बनाई है। अब हम जानना ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या योजना है? शिक्षा के उसमें योजनाएं हमारी जैसे कि बिधौलिया प्लस सनौवा, जिसमें एक ही प्राइमरी स्कूल है जो पाँचवें तक है हमारा यहाँ पे, और फिर उधर आप आगे चले जाइए गोविंदापुर प्लस गौटिया, तो केवल गोविंदापुर में एक प्राइमरी स्कूल है। तो मेरा ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि मेरे जो भी वार्ड नंबर 73 में ये गांव आते हैं, तो इनके बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे इनकी पढ़ाई लिखाई हो जो भी हो, और जैसे कि ये अभी तक पाँचवें तक हैं, ये प्राइमरी स्कूल हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी आगे कि इनको कम से कम हाई स्कूल तक इनको ले जाया जा सके। शिक्षा के लिए भी आपकी बेहतर सोच है, बेहतर नीति है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में आपकी क्या योजना है, इस पर और जानकारी चाहिए? स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में ये है कि जैसे कि हमने देखा बिधौलिया हमारा ये जो अपना ये मायावती कॉलोनी वाला रोड कहलाया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हमारा जो है मतलब स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, तो पिछले लगभग 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ जब से वो बना है, तो तब से नहीं तो उसमें कोई जैसे जो उसमें फैसिलिटी होना चाहिए जो लोग यहाँ की जनता को या हमारे जो वार्ड नंबर 73 में जो एरिए जुड़े हुए हैं, जैसे गांव बोल लीजिए उनको, सनौवा गोविंदापुर गौटिया, तो जिस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र बन के तो खड़ा हो गया है, मगर उसमें जो मतलब फैसिलिटी देना चाहिए वो तो अभी कुछ है नहीं वहाँ पे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगर जैसे कि मैं इसमें अगर मुझे कामयाबी मिली, मैं इस चीज़ में अगर कामयाब हुआ, तो सबसे पहले मैं जो है उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाए, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र जो है जल्द से जल्द चालू कराया जाए ताकि जो है जनता को इसका लाभ मिले, क्योंकि जो है स्वास्थ्य केंद्र बनाया ही इसीलिए जाता है जो आम लोगों को और जो लोगों को परेशानियाँ हैं अपने वहाँ पर जाके उन परेशानी समस्याओं का समाधान किया जाए वहाँ पे। नहीं साहब, विज़न आपका बहुत अच्छा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास आपका मुद्दा है। अब जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ की जनता, मेरे जो वार्ड नंबर 73 में जो भी मेरे भाई बहन जो भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग
उन लोगों को बस मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने पहले जैसे भी वोटिंग करी, जैसे भी वोट दिया, तो उन लोगों ने पिछले 20 साल से देखते हुए चले आ रहे हैं वो कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब एक जो युवा नेता जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने कदम बढ़ाया है ये, तो ये जो भी होता है राजनीति हो या कोई भी आपका मतलब विकास हो, तो एक युवा जो होता है उसकी सोच युवा ही होती है, नई सोच होती है नए ज़माने के उससे। तो मैं ये चाहूँगा मेरे जो भी यहाँ के वार्ड नंबर 73 के जो भी यहाँ पे मेरे भाई बहन जो भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग लोग, कि वो लोग जो भी आगे मतदान करें तो वो अपना सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ की जनता को एक नेता की जो ज़रूरत है सभासद की, तो वो ज़मीनी स्तर की ज़रूरत है जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके और सुन सके लोगों का।